अभी अभी मैंने आपको एक लेसन में पोस्ट पब्लिश करना फ्यूचर में सिखाई. ये पोस्ट आपको फ्यूचर में नज़र आएगी एंड दिस विल टीच यू कि आप किस तरह वर्डप्रेस को फ्यूचर कंटेंट पब्लिशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतना ज़्यादा जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है इधर उधर इंटरनेट पर, जो इतना ज़्यादा कॉन्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कि किधर जा रहा है, किस तरह से हम इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? व्हाई इज वर्डप्रेस कॉल्ड अ सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम? वो इसलिए क्योंकि वर्डप्रेस हैज दिस कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन पोर्शंस कॉल्ड कैटेगरीज. कैटेगरीज आर क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्डप्रेस वर्क्स. ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोज आप अगर मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो आप देखते हैं कि हर तरह की सब्जी की एक कैटेगरी बनी हुई है. एक जगह आपको टमाटर नज़र आते हैं, एक जगह आपको कोई और सब्जी नज़र आती है. सो कैटेगरीज इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन आवर लाइफ एंड वर्डप्रेस हैज दिस फीचर. यूजिंग दिस फीचर कॉल्ड कैटेगरीज, यू कैन ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट इन डिफरेंट पोर्शंस, और इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी. बट वट कैन यू यूज कैटेगरीज फॉर? You can use categories to define sections or portions of your site or group posts. आप posts के group बना सकते हैं. इन posts को या इनके group को हम categories कहते हैं. And also remember कि एक शुरू में मैंने जो आपको फ़र्क बताया था posts और pages में, pages do not have categories. अगर pages में आपने categories डालनी है तो उसके लिए आपको किसी custom plugin का यूज करना पड़ेगा. बट दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट्स डिफरेंट बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस, दैट पेजेस डू नॉट हैव कैटेगरीज, पोस्ट डू हैव कैटेगरीज. द डिफॉल्ट कैटेगरी दैट वर्डप्रेस क्रिएट्स फॉर यू इज कॉल्ड अनकैटेगराइज्ड. तो वर्डप्रेस आपके लिए एक डिफॉल्ट कैटेगरी बना देता है. तो अगर आप कोई भी कॉन्टेंट डाल रहे हैं तो हमेशा एक कैटेगरी में जाएगा जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड. आपने खुद डिफाइन करना है कि वो किस तरह की कैटेगरी है जो आप जिसमें कंटेंट डालना चाह रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी चेंज ड्यूरिंग द सेटिंग्स, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा. आपको मैंने पहले बताया था पेजेस कैंट यूज कैटेगरीज, इट्स ओनली फॉर पोस्ट. दो तरीके हैं जिससे कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं. देयर आर टू वेज टू ऐड कैटेगरीज. वन इज कि आप कैटेगरीज के सेक्शन में जाएं जो आपके पास वर्डप्रेस पे अवेलेबल है. उस सेक्शन पे जाके यू कैन ऐड अ न्यू कैटेगरी. वी विल शो इट टू यू लाइव एंड वी विल शो यू हाउ दिस सेक्शन रियली वर्क्स. द अदर वन इज वी आर द पोस्ट इटसेल्फ. आप पोस्ट पे जाएंगे और जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि वहाँ पे आप एक कैटेगरी बना के एक कैटेगरी लाइव ऐड कर सकते हैं. तो दीज आर द टू ऑप्शंस that are available to you. एक जिस तरह मैंने आपको बताई कैटेगरी सेक्शन में, और एक डायरेक्टली फ्रॉम विद इन पोस्ट. सेक्शन में कैटेगरी ऐड करने के लिए यू विल गो टू द कैटेगरीज सेक्शन एंड वहाँ पे आप उस कैटेगरी की कुछ ऑप्शंस हैं जिनका, जिसमें से नाम एक है यू विल ऐड द नेम ऑफ योर कैटेगरी. आपकी कैटेगरी का क्या नाम है? जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कि अगर आपकी कार्स की एक कैटेगरी है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आप क्रिएट करना चाहेंगे, सब कैटेगरीज, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. हैविंग अ नेम फॉर दैट कैटेगरी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बट ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्लग. वॉट इज अ स्लग? स्लग इज दैट यूआरएल जिसको यूज करते हुए कैटेगरी को आप डिफाइन करेंगे, जो लिंक आपके ब्राउजर में नजर आ रहा है. अनदर थिंग इज कि आप कैटेगरीज में हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन मेक पेरेंट कैटेगरीज, चाइल्ड कैटेगरीज. वील ऑल्सो show this to you live to show you, you know, how this really works. And you can also set a description. Agar aap ek description dikhana cha rahe hain ki ye category kis cheez ke bare mein hai aur ye category exactly karti kya hai, that's how
you will be able to define categories. Hum aapko bhi live leke jayenge. So jaise maine aapko bataya ki categories add karne se pehle, it is important to see some of the websites which have categorized content. So hum isko explore karte hain. We will start off with this website called binguru.com. hum binguru.com pe jayenge aur hum dekhenge ki inhone categories kis tarah se define ki hui hain. When we go to the website, hame top pe kuch links nazar aayenge, motivation, startups, freelancing. Hum motivation pe click karte hain aur motivation pe click karne ke baad we will be able to see the posts which are just in those categories. Ek cheez dhyan mein rakhiyega ki url mein aapko ye category ka naam bhi nazar aayega, usse bhi aap identify kar sakte hain ki category hai ya nahi. techjuice.pk pe jayenge aur wahan hum dekhenge ki unhone content categorize kaise kiya hua hai. So wahan pe again they have categories jinko unhone naam diya hua hai topics. Topics pe aap ja sakte hain. Online earning, very good topic, very relevant to this course as well. Us pe ja ke aap zyada padhe bhi, dekhe bhi aur sath sath aap ye dekh sakte hain ki isme content kaise categorize hua hai. Now I will teach you to add these categories on your own website by logging into my website first. So let's go to my website. WordPress pe main login karta hu aur jis tarah maine aapko bataya tha ki do tareeke hain. So first you will look for posts and categories. Again zehn mein rakhiyega, pages pe categories nahi hoti, isliye pages pe jab aap hover karte hain to aapko categories nahi nazar aata. Posts pe you see categories. Yahan pe aap category ko change bhi kar sakte hain, edit bhi kar sakte hain, व्यू भी कर सकते हैं, नई कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और इनकी बल्क एडिटिंग भी कर सकते हैं. सो आई विल ऐड अ न्यू कैटेगरी पाकिस्तान. व्हाई? बिकॉज वी ऑल लव पाकिस्तान, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री. सो आई वांट टू ऐड अ कैटेगरी कॉल्ड पाकिस्तान ताकि मैं पाकिस्तान से रिलेटेड कॉन्टेंट इस पर पब्लिश कर सकूँ और इसका स्लग मैं दूंगा अगेन पाकिस्तान. एंड आई डोंट वॉन्ट इट टू हैव अ पेरेंट कैटेगरी. I want it to have a description. This category is about Pakistan and all content of Pakistan. Add new category पे मैं क्लिक करूँगा और मैं देखूँगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड होगी जिसका नाम है पाकिस्तान. अब इसी कैटेगरी को, कैटेगरी तो बन गई है, मैं किसी पोस्ट को ये कैटेगरी देना चाह रहा हूँ तो आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू पोस्ट एंड मैं लिखूंगा माई लव पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से रिलेटेड एक इमेज डालूंगा एंड इमेज डालने के साथ ही आई कैन सिलेक्ट दिस कैटेगरी हियर. राइट साइड पे कैटेगरीज का एक सेक्शन है, मैं वो कैटेगरी ऐड कर दूंगा. बट व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू कैटेगरी, मैं वहां से ही एक नई कैटेगरी ऐड कर सकता हूं. आई विल कॉल दिस North of Pakistan. And मैं इसकी parent category को Pakistan बना दूंगा and I'll add a new category here. So अब आप देख रहे हैं कि एक parent category बन गई है और एक child category है. So the question that might arise in your mind is, can one post have multiple categories? The answer to that is a yes. एक post में आप जितनी ज़्यादा categories add करना चाहें आप कर सकते हैं. Because that way you can categorize more content as much as possible. Publish का button click करेंगे और जैसे ही ये content publish होगा we will go on that content and we will see के left पे आपको अब categories के नाम भी नज़र आ रहे हैं. सिर्फ ना के वो बल्कि home page पे अगर आप जाएंगे तो home page पे भी आपको right पे अपने sidebar में categories अब नज़र आ रही हैं. अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी है जिसपे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, साथ साथ पाकिस्तान एक कैटेगरी है, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एक कैटेगरी है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वे ऑफ एडिंग कैटेगरीज. यू लर्न मोर अबाउट कैटेगरीज, यू लर्न मोर अबाउट टैग्स विच आर जस्ट लाइक कैटेगरीज बट फंक्शन इन डिफरेंट वे. बट कैटेगरीज आर क्रूशल. कैटेगरीज हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉन्टेंट को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है. सो प्लीज़ As soon as you set up your website, please जाके एन कैटेगराइज का नाम चेंज करें, उसको कुछ और नाम रखें और एटलीस्ट 5 कैटेगरीज बनाएं. सो प्रोमिस मी दैट एज सून एज यू क्रिएट योर वेबसाइट यू विल क्रिएट 5 कैटेगरीज ऑफ योर चॉइस एंड 1 कैटेगरी विल बी ऑफ पाकिस्तान. सो यू कैन
build content which is related to Pakistan and add more content which is related to Pakistan. This was all about categories. You will get to learn more about new things in our future lessons.